थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज हम आपके जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से आपने कहाँ से पढ़ाई की थी और कहाँ से आर्ट सीखा, और अभी 10-15 सालों के बाद हम जब प्रांजलास की तरफ से आपसे मिल रहे हैं, आपके आर्ट की जर्नी में क्या ग्रोथ रही है, आपके आर्ट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, और आपके एग्जीबिशंस और ग्वालियर से आपने शुरुआत करके आगे मैंने देखा आपने बहुत सारी जगह एग्जीबिशंस की हैं, तो बहुत सारी बातें करेंगे उसके बारे में, और आपके कुछ एक्सपीरियंसेस जो जो नए आर्टिस्ट हैं उनके लिए, जो उनके लिए एक लर्निंग टाइप बन जाएगा कि जो अभी अभी आर्ट सेक्टर में घुस रहे हैं उनके लिए, आपके लिए क्या, आपके पास क्या एडवाइस रहेगी। तो बहुत सारी बातें, तो स्टार्ट करने के लिए अब आई थिंक तब से स्टार्ट करते हैं कि आप अपने तरफ से बताइए आर्ट में आपका इंटरेस्ट कहाँ से आया, क्योंकि आर्ट को फुल टाइम परस्यू करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। ओके okay. तो मेरी आर्ट की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है एक्चुअली. मैं बचपन से, मतलब बहुत सभी आर्टिस्ट अक्सर आर्टिस्ट ही बोलते हैं, मैं बचपन से ही आर्ट में इंटरेस्टेड था. हाँ ठीक है, बट उसे प्रोफेशनली ऐसे कैरियर परस्यू करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वही मेन कॉन्सेप्ट है कि कैसे अपनी एजुकेशन, जो रेगुलर एजुकेशन से फिर आर्ट फील्ड में आना, दैट इज क्वाइट डिफरेंट. तो मैं जब क्लास 12th में था, मैं तो बायो का स्टूडेंट रहा हूँ. मैं जेएनवी खुरई एमपी में ही, जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय रहा है, वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ. तो मेरे पेरेंट्स बिल्कुल से खिलाफ थे कि आप इस तरफ नहीं जा सकते हैं और नहीं जाना है. फिर मैंने वहाँ के टीचर से मिलवाया, बात करवाई, तो बोले कि ये आर्ट में अच्छा कर सकता है, जाने दीजिए. इनफैक्ट मैं अपनी रेगुलर स्टडीज में भी अच्छा था. दैट वॉज वेरी हार्ड पॉइंट कि मैं कैसे उसको छोड़ के और आर्ट की तरफ आऊँ. फिर भी जैसे तैसे पेरेंट्स माने, उन लोगों ने कहा ठीक है आप ट्राई कर लीजिए. और मैं आया ग्वालियर. पहली बार जब ग्वालियर आया, इनफैक्ट मैं पहली बार ही किसी शहर में आया होऊंगा, बिकॉज अच्छा आप एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हुए हमेशा वहां रहते हैं और फिर आउटर हाँ वर्ल्ड में अचानक से आते हैं. और ये जर्नी मोस्टली आर्ट कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की रहती है मोस्टली, बिकॉज वो कहीं ना कहीं दूसरी जगहों से आ रहे होते हैं. सेम सिटी से बहुत कम ही होते हैं. तो फिर अचानक से एक नई सिटी में आना, फिर वहां पर नए लोगों से मिलना, टीचर से इंटरेक्ट करना, फिर धीरे धीरे करके ये फील्ड मेरे लिए खुलती गई. शुरुआत में मुझे लगा ये बहुत इजी है, फिर मुझे लगा ये इजी है लेकिन इतना भी इजी नहीं है. तो इलेवेंथ आपको ट्वेल्थ कुछ में, आता है? इलेवेंथ ट्वेल्थ में आपका क्या सब्जेक्ट था? मैथ था, बायो था, दो माइंड था. एक मिनट एक मिनट, इलेवेंथ ट्वेल्थ में आपका क्या सब्जेक्ट था? 11th 12th था मेरा सब्जेक्ट मैथ प्लस बायो, दोनों था, कम्बाइंड था. ओ तो मैथ प्लस बायो के बाद एकदम से आर्ट शिफ्ट तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हुआ होगा। हेलो, हेलो, आपकी सारी बात कट गई पिछले ओके ओके। तो मैंने कहा कि से. मैथ और बायो के बाद आपने डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इंजीनियरिंग, ये सारे अपने ऑप्शंस हटा के आर्ट तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हुआ होगा कि फुल टाइम आपने आर्टिस्ट बनने का या बड़ा डिसीजन लिया। आपके उस टाइम दिमाग में था कि आजकल तो बच्चों के भी बाद में बहुत प्रेशर होता है कि कमर्शियल आर्टिस्ट बनना है, अच्छा एडवर्टाइजिंग में चले जाएंगे, अच्छा ही कर लेंगे, कि एज एन आर्टिस्ट आपने अपने आप को डेवलप किया, उस टाइम भी आप क्लियर थे कि आपको पेंटिंग में ही आर्टिस्ट, एज अ विजुअल आर्टिस्ट बनना है, कि उस टाइम बिल्कुल आपने एक बड़ा जंप रिस्क ले लिया? एक्चुअली उस टाइम पर एक मैं आर्ट तो करता था, और जब भी मैं काम करता था पेंटिंग करना, स्कूल्स में बहुत पेंटिंग किए मैंने और अपना अदर वर्क भी करता रहता था, तब मन में ऐसा तो लगता था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग करना, कुछ क्रिएट करना. बट जैसे ही जब आप करियर के बारे में सोचने लग जाते हैं, हाँ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक फील्ड छोड़ के दूसरी फील्ड में जंप करना है और
स्पेशली तब जब आपका एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड रहा हो, इसीलिए तो उस टाइम पर प्रॉब्लम यही थी कि उस टाइम पर अगर आपको एमबीबीएस भी करना है या आईआईटी के लिए जाना है तो आपको बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बैकअप चाहिए, पैसा चाहिए। तब हमारी ऐसी कंडीशन नहीं थी शुरुआत में, और पेरेंट्स से जब इस बारे में डिस्कस किया तो उन्होंने बोला आप खुद से कीजिए, जो भी करना है आपको, जो बनना है बनिए, खुद से कीजिए। लेकिन ये कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जिसमें बहुत टफ होता है, आपको कोचिंग करना पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, एक दो साल वेट करना पड़ेगा। फिर मेरे मन में ये था अगर मैं कुछ करना ही है, जब खुद से करना है और आपको खुद पर इतना विश्वास है कि आप किसी चीज में स्ट्रांग हैं, जब आपको लगता है तभी हो जाता है। मुझे लगा नहीं मैं ये कर सकता हूँ, और जो पैशन अगर मैं इस फील्ड में दिखाऊंगा तो इस फील्ड में भी बहुत सारे आर्टिस्ट आगे आए हैं, लोगों ने मैं लोग आगे आकर अच्छे से उन्होंने खुद को स्ट्रांग बना लिया है, पैसे भी कमाते हैं। तो जब सब कर सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं। हाँ। तो मैंने वही किया, मैंने ट्राई किया और मेहनत की, और आज इतना है कि मैं खुश हूँ कि मैंने सही डिसीजन लिया। एक मिनट में पॉज रिज्यूम करती हूँ। तो नितिन जी, हमने अभी तक बात की कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया 11th 12th में, आपकी स्टार्टिंग से जा रहे हैं जर्नी की, कि 11th 12th में आपने मैथ्स और बायो लिया था, और उसके बाद आपने मतलब आपके पास इतना फ्रीडम था, आपकी फैमिली ने बोला कि आप जो चाहे आप कर सकते हैं, आपकी लाइफ है और अपनी लाइफ बनाइए, और आपका इंटरेस्ट बहुत था आर्ट में, और आपने डिसाइड किया कि हम आर्ट परस्यू करेंगे, कि अगर सर्वाइव करना है या तो आर्ट से करेंगे। तो ज़्यादातर आपकी एजुकेशन जैसे आर्ट में हुई है, बैचलर्स और मास्टर्स, अभी कितने साल हो गए, अगर मैं शुरुआत से पूछूं कि आपको कितने साल हो गए पेंटिंग करते करते? एक्चुअली पेंटिंग करते करते प्रोफेशनली अगर माना जाए तो एक आर्टिस्ट के लिए बीएसए से स्टार्ट हो जाता है। 2008 में मेरा बीएसए कंप्लीट हुआ था। ओके, सो 12 इयर्स हो गया। तो तभी से रेगुलरली मैं काम कर रहा हूँ। ओके, नाइस। और ज्यादातर जैसे आपकी एजुकेशन ग्वालियर में हुई है, तो आपको क्या लगता है ग्वालियर में जब आप अपनी एजुकेशन कर रहे थे तो कैसी अपॉर्चुनिटीज थी फॉर आर्टिस्ट के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए? क्या आपके पास मतलब कला विथिका के अलावा लाइक और कहाँ कहाँ आपने सिटी के अंदर कितना आपने आपको एक्सप्लोर कर पाए, इससे पहले कि आपको सोचना पड़ा कि नहीं ग्वालियर से आगे हमें भोपाल में जाना पड़ेगा या इंदौर में जाना बेटर है, थोड़ा सा बड़ी सिटीज को एक्सप्लोर करूँ, विद इन ग्वालियर आपके पास लाइक कैसी कैसी टाइप की अपॉर्चुनिटीज थी? ओके, एक्चुअली ग्वालियर में कल्चरल बहुत स्ट्रांग है, कल्चरली बहुत स्ट्रांग है ग्वालियर। जब मैं ग्वालियर में पढ़ता था तो उस समय यहाँ किले पर फोर्ट पर जाना, वहाँ गुजरी महल या फिर संग्रहालय म्यूजियम या फिर ग्वालियर के आसपास के बहुत ही सुंदर सुंदर नेचुरल प्लेसेस हैं जहाँ पर जाके लैंडस्केप तैयार करना, छतरी बाग, कटोरा ताल, राजबाड़ा, ऐसा बहुत सारी प्लेसेस हैं जैसे मैंने बहुत एंजॉय किया अपने एजुकेशन टाइम पर। तो ये इन सब ने एक आर्टिस्ट के तौर पर मुझे बहुत ग्रूम किया। आप समझ सकते हैं कि एक आर्टिस्ट के लिए जब शुरुआती दौर होता है तब उसको एक ऐसा ही बैकग्राउंड चाहिए होता है जहाँ पर वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाए। और बहुत डाइवर्स है ग्वालियर, एक अच्छा शहर भी है और साथ में उसमें कल्चर की बहुत अच्छी झलक दिखती है। तो ग्वालियर में स्टार्टिंग एक करियर स्टार्ट करने के हिसाब से बहुत कुछ अच्छा रहा। इसके अलावा मैं ग्वालियर में गवर्नमेंट के जो कैंप्स वगैरह हुए, गवर्नमेंट के एमपी गवर्नमेंट कल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से कैंप हुए, संस्कार भारती की तरफ से कैंप हुए, आर्ट मार्च की तरफ से कैंप हुए, फिर प्रांजल आर्ट जो अजिल से अभी आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों का भी स्टार्टिंग उसी समय पर हुआ था। तो एक था ग्वालियर में तभी से एक अच्छा
आर्ट का माहौल तैयार हो चुका था और उस माहौल में आगे बढ़ना एक एक अच्छा एक आर्ट के स्टूडेंट के लिए भी एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक आर्टिस्ट के लिए एक एक ही जगह सीमित कभी नहीं रह सकती है, उसे कहीं ना कहीं थोड़ा आगे बढ़ना ही पड़ता है। कभी हाँ। आपके फाइनेंशियल चीजों को लेके, कभी आपको अपनी फैमिली बैकग्राउंड को लेके, कभी आर्ट को लेकर, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं शिफ्ट होना पड़ता है। तो ग्वालियर हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और मुझे आज भी लगता है ग्वालियर बहुत अच्छा है इन मामलों में एक आर्टिस्ट के लिए आगे बढ़ने के लिए। और सर ये है कि आगे रास्ते कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाते भी हैं, लेकिन आज भी मैं ग्वालियर की मिट्टी से जुड़ा हूँ और मुझे बहुत याद आता है। अरे जी जी, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। तो अभी आप इंदौर में है ना? हाँ, मैं इंदौर में हूँ। ओके ओके। तो अभी लाइक वैसे भी उस टाइम जैसे अभी राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी और ऐसे काफी यूनिवर्सिटीज भी ग्वालियर में और खुल गई और स्मार्ट सिटी की वजह से काफी और अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। तो आई थिंक वो इन जनरल मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर ज्यादा एपी सेंटर बने हुए हैं आर्ट के लिए, है ना? हाँ। तो आपने जैसे उसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, बट आप पहले हमें बताइए कि कौन सा आर्टिस्ट है जो आपको इंस्पायर करता है, जो आपका लाइक जनरली इंटरनेशनली नेशनली कौन सा आर्टिस्ट है जो आप लुक अप टू करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं? एक्चुअली पर्टिकुलरली एक आर्टिस्ट को कभी भी मैं ऐसा कहूँ कि मैं इसका डाई हार्ड फैन हूँ बिल्कुल सिर्फ एक आर्टिस्ट का, तो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज हर जगह कोई ना कोई अलग अलग चॉइस होती है। अगर मैं पैशन के लिए मानूँ तो मैं तो वैन गॉग को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि एक आर्टिस्ट को अपने आर्ट के लिए जितना पैशनेट होना है या होना चाहिए, तो वो पैशन मुझे वहाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो इंस्पायर करता है। लेकिन फिर अगर मैं कंस्ट्रक्शन या एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे मारूं तो पिकासो, या फिर इंडियन आर्टिस्ट के लिए तो अलग अलग एम एफ हुसैन सर रहे हैं, तो उनकी लाइंस और उनकी ड्राइंग के लिए, तो हर आर्टिस्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खूबी रही है और मैं उन सारे आर्टिस्ट को देखकर आज भी एनर्जी गेन करता हूँ। बहुत परफेक्ट आपने डिप्लोमेटिक आंसर दिया, बट बहुत बढ़िया। आगे मैं अब आपके पेंटिंग्स के अंदर और घुसते हैं और ये बताइए, आपके पीछे एक पेंटिंग मैं देख रही हूँ बहुत सुंदर, तो ये इस पेंटिंग के बारे में बताइए, फिर उससे उसके बाद हम बाकी लोगों को जो आपके बाकी काम है उसके उसके बारे में बात करेंगे। आप पहले इसके बारे में। एक्चुअली जो पेंटिंग मैं पीछे बना रहा हूँ, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन और इसके लिए मुझे थोड़ा मूव होना पड़ेगा और अच्छा, और है ये बहुत एक बड़े से कैनवस पर है और इस पेंटिंग में मैं उन लोगों के बारे में पोर्ट्रेट्स बनाए हूँ, उन लोगों के पोर्ट्रेट माइग्रेंट्स के पोर्ट्रेट्स बनाए हुए हैं। बीच में मैंने कुछ उनका लगेज कैरियर बैग और उनके पोर्ट्रेट साथ में, तो उसमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस के पीपल ऑल अराउंड दिस बैग, वो कैसे अपने पूरा लाइफ और पूरे इमोशंस लेके अपने साथ चलते हैं, सिर्फ अपने खाने अपनी आजीविका के लिए अपना लाइवलीहुड के लिए वो यहाँ से वहाँ जर्नी कर रहे होते हैं और वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं जब वो किसी भी वजह से, अभी जैसे कोरोना हुआ या उससे पहले कहीं वॉर होता है या फ्लड होता है, तो किसी वजह से वो जब वो माइग्रेट होते हैं तो उनका लाइफ कितना अफेक्ट होता है, वो सब इस पेंटिंग में मैं ड्रॉ करता हूँ। नाइस, बहुत अच्छा। तो कब तक लाइक आपको एक पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लगता है लगभग? डिपेंड्स, किसी पेंटिंग में अगर साइज कितना है, छोटा है, पेपर वर्क है, तो 1 or 2 days, कैनवास है मैं 15 से 20 दिन, जो साइज पर डिपेंड करता है, साइज एंड
इनफैक्ट टाइमिंग पर। और तो ये आपका फर्स्ट वर्क, अब इसके बारे में बताइए मेरे को, हैंड लिखनी एक्चुअली है यस और देयर इज, एवोल्यूशन। मैंने मुर्गे हैन एंड कॉक दोनों ही बनाए हैं इसमें। ओके एक्चुअली मैंने इसके बारे में, ये मेरा थीम रहा था इस पेंटिंग के बारे में, कि एक कोई भी एनिमल या बर्ड है इस पर लोग उसे फूड समझते हैं। तो मैंने इसमें, आपने देखा होगा, गौर से देखिएगा तो उसमें कहीं धनिया पत्ती है या फिर कुछ ना कुछ फूड फूड पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पीसेस हैं फूड के, वो मैंने यहाँ वहाँ स्प्रेड किए हैं। तो वो जो हम खा रहे हैं, जो खाते हैं, तो वो एक्चुअल में किसी की लाइफ है, दैट ही ईट, वी आर ईटिंग द डेड एक्चुअली। तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जोन में जाते हुए, यस यस वेरी नाइस। तो आपने ये मीडियम्स क्या क्या यूज किए हैं यहाँ पे, वाटर कलर इट इज, एंड पेन? नो नो नो, इट इज चारकोल, ओनली चारकोल, ओह वाओ, चारकोल ऑन पेपर। अच्छा, वेरी नाइस, सबसे नाइस चीज। तो ये आपने कब बनाया था? अब ये जो आपने काम शेयर किया है, ये लाइक अक्रॉस द स्पैन ऑफ 10-12 इयर्स है कि अभी रीसेंट काम है ये सारा आपका? ये बहुत पुराना काम है, और पिछला जो काम जो आपको, जो आपने अभी दिखाया था, उसका नाम डेड और अलाइव रहा है। अच्छा, और इस काम पर मुझे एमपी गवर्नमेंट का मध्य प्रदेश उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी राज्य रूपंकर पुरस्कार मिला है, इसका मुझे एमपी स्टेट गवर्नमेंट का अवार्ड मिला है इस पर, ओके और ये बहुत ओके पुराना काम है। ओके ओके नाइस। इस काम के बारे में मेरा ये रहा था कि जब हम अपने दिमाग में, जब सबकॉन्शियस माइंड या जब अपने सपने वाले माइंड माइंड की तरफ देखते हैं, जब हम इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, तब बहुत सारी इमेजेस मन में आती हैं। तो उस लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर, जब मैं कुछ भी ड्रॉ कर रहा होता हूँ तो मुझे वो बोल्ड लाइंस में ड्रॉ कर रहा होता हूँ उस टाइम पर, साथ में उससे कनेक्टेड कनेक्टेड इमेजेस जो हैं, तो ड्रीम के लेवल पर जो कनेक्टेड इमेजेस हैं, मैन विद द फिश, फ्लावर पॉट, फ्लावर, एन एंजल इनसाइड द लाइंस के हार्ट, तो ये सब चीजें फिर मैंने उसको ड्रॉ किया। कप ऑफ टी, एक्चुअली दैट इज लेमन टी, कैक्टस, बल्ब, इसका टाइटल ड्रीम। ओके, ड्रीम था, ये भी बहुत पुराना काम है, इस पर मुझे, इस पर भी अवार्ड था। ओके, आईसेक दिल्ली से अवार्ड था उस पर। ये मेरे बहुत रिसेंट काम है, नाइस। अच्छा, ये काम मैंने अभी, हाँ, ये सारे काम, ये जो काम जो आपके सामने ब्लू कलर का दिख रहा है, विद दिस वन पर्सन टॉकिंग टू समवन ऑनलाइन, ये कनेक्टिविटी मैंने अभी काम स्टार्ट किया था लॉकडाउन के टाइम पर, और ये अभी बहुत रिसेंट है। एक्रिलिक एंड चारकोल, जस्ट 2% टॉकिंग टू ईच अदर, शेयर कर रहे हैं अपनी बातें। और इन सब जो अभी आगे आने वाले काम हैं, सब में मैंने पुराने एंटीक चीजों को यूज किया है, जो चीजें मोस्टली हमने अब यूज करना बंद कर दिया है, स्टिल वी हैव दैट कनेक्शन विद दोस थिंग्स। नाइस, हम उन चीजों को देख के कहीं ना कहीं अपने पास से जुड़ते हैं। हाँ, ये बहुत पुरानी प्रेस इस्त्री, है इस्त्री, ना? टाइटल और, हाँ, यस दैट इज रियली इस्त्री, ओल्ड इसका प्रेस। टाइटल भी इस्त्री है। ओह नाइस, दिस पर्सन इज लुकिंग टुवर्ड्स द इस्त्री एंड इवन दैट गर्ल आल्सो, दैट लेडी सिटिंग ऑन दैट, यस यस, यू कैन रोमांटिसाइज ए स्टोरी, आप एक स्टोरी बना सकते हैं, फील कर सकते हैं, आप उन चीजों से कनेक्ट होते हैं, साथ में उन चीजों से कनेक्टेड लोगों से भी कनेक्ट होते हैं। So it's That is the like whole concept. a metaphor that you're using in the thing. Both the like women and the iron is connected, and it means it said the same thing in Hindi basically. So ek hi cheez usko boli jati. Yes. Bahut achhi baat. Yes, yes. Ye bhi. It is actually a first aeroplane. जब इंसान ने पहली बार उड़ना सीखा था, तो चिड़िया वो के अपने साथ. सपनों में उड़ता है। हाँ, वो मैंने एक बर्ड उसके साथ में ड्रॉ किया है, जस्ट
नेचर से इंस्पायर होके हम सीख रहे होते हैं, और वो फ्लाइट आज हम जो आज इस करंट वर्ल्ड में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो एरोप्लेन यूज हो रहे हैं वहां तक आज हम पहुंच चुके हैं. दैट इज जस्ट द फ्लाइट, इट इज अबाउट द फ्लाइट. दिस इज अबाउट टाइम, हम समय को कैसे यूज कर रहे होते हैं. टाइम, आप एक टाइम पर किसी पुराने टाइम को इमेजिन करते हैं, टाइम को देखते हैं, उस वॉच को फील कर रहे होते हैं. उसी टाइम पर आप प्रेजेंट में भी होते हैं, द बिल्डिंग एंड द दीज, जो वॉच के अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं उनको मैंने यहाँ वहाँ स्कैटर किया है. एक्चुअली उस मैंने अभी बताया जो पुरानी एंटीक चीजें थी उनके साथ जुड़े हुए फीलिंग्स को मैंने साथ में यूज किया है. दिस वन एक्चुअली बहुत सारा लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे कुकिंग और ये शोज देख के और कुछ पिछला याद करके कैसे आज मिक्सर ग्राइंडर हम आ चुके हैं हमारे लाइफ में. बट पहले हम सिंपली इनको क्रश करके ही यूज करते थे. दैट इज द ब्यूटी हमारे पिछले इंडियन कल्चर की. इनफैक्ट आज भी केरला और कुछ जगहों पर ऐसा लोग आज भी अपने घरों में से यूज करते हैं. तो आपके कामों में आपने लाइक पुरानी, ये अभी सीरीज में पुरानी चीजें काफी रोमांटिसाइज करी है, और हर उसमें मैंने देखा है कि एज एन ऑब्जर्वर, एक यू नो एक पर्सन है, एज अ फेरी एटलीस्ट एक पर्सन है और उसके साथ कोई ना कोई होता है. और ये ऐसे लेटर्स का एग्जिस्टेंस, हर पेंटिंग में लेटर्स और नंबर्स को आपने किया हुआ है ना, ये कॉमन रहा है आपके कामों में. और इवन ये व्हाई ब्लू, व्हाई द कलर ब्लू एवरीवेयर, लाइक इज समथिंग दैट आई सॉ आई थिंक इन योर प्रीवियस वर्क आल्सो. एक्चुअली जब मैं ब्लू के साथ काम कर रहा होता हूँ मैं इजीली कनेक्ट हो जाता हूँ. इनफैक्ट मुझे ब्लू पसंद है. कुछ कलर ऐसे होते हैं आप इजीली उठा लेते हैं. आप पेंटिंग आप किसी भी कलर में बना सकते हैं और मैं बना लेता हूँ. मैं ब्लैक एंड व्हाइट मोस्टली करता हूँ, ब्लैक कलर को यूज करता हूँ. लेकिन जब ब्लू के साथ होता हूँ मुझे बहुत ईजी फील होता है, मैं उसके साथ कनेक्ट होता हूँ. अच्छा कलर लगता है मुझे, कूल. शायद वो मेरे अंदर के सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है. इसलिए ब्लू इजीली आ जाता है बाहर. नाइस नाइस इंटरेस्टिंग. दिस ओल्ड स्टोव, ये पुरानी चक्की, कैसे फसल पिंक पर्पल. हाँ यहाँ पर पिंक पर्पल है. इनफैक्ट कैसे पुरानी चक्की से वो गेहूं पीस के, और वो एक लेडी है जो सबका सबको यहाँ पर एक बहुत सारे पक्षियों का झुंड लग गया है. गैदर होके उसके अराउंड इकट्ठे हो गए हैं कि अब उससे कुछ मिलेगा. लाइक दैट ऊपर वही चीज प्रोसेस्ड फूड जैसा है, बर्गर और चपाती और सैंडविच और समथिंग, ऑल दोस थिंग्स आर देयर. एंड अब जो सबसे ऊपर जो आपको देखते हैं वो हाउसेस काइंड ऑफ थिंग्स हैं. मैं इमेजेस को बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बहुत सिंप्लीफाई, सो दैट आई कैन ड्रॉ देम इन वन लाइन. ओह नाइस. मोस्टली ओके या बहुत अच्छा, आपके आइडियाज बहुत अच्छे से उभर के आ रहे हैं. एंड देयर इज लॉट ऑफ लाइक जो आपने बैकड्रॉप भी इसके अगेंस्ट, जैसे हर चीज में क्लैरिटी आ जाती है जब आपने यू नो कलर एक बहुत वो रखा है यू नो लीनियर और लाइक यूनिफॉर्म, और फिर उसके अंदर का जो पार्ट है उसमें काफी डिटेल्स है. ये क्या है, ये पेंटिंग में क्या है? एक्चुअली अभी लॉकडाउन के टाइम पर मुझे घर जाना था और साथ में बहुत प्रॉब्लम थी. कहीं से कोई भी व्हीकल्स नहीं थे, तो मेरे पास मैंने अपनी बाइक ली और बाइक से ही 350 किलोमीटर अराउंड अपने इंदौर घर पहुंचा. सो दैट वन द कोटा, फ्रॉम कोटा, फ्रॉम कोटा टू इंदौर आप पहुंचे. यस. तो वो एक बात थी, लेकिन
वो चीजें कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाँ लोग पुराने टाइम पर भी, आप अगर इन लेटर्स में देखेंगे वहां पर लिखा होगा, आप गौर से देखिए राइट साइड सेंटर की तरफ, गो होम। गो होम। हाँ, जी मेरा जो कॉन्सेप्ट चल रहा था कि अभी ओल्ड थिंग्स और ओल्ड चीजों को याद करके, पुरानी चीजों को याद करके, लेकिन वही चीज मैंने कंटेम्प्रेरी थीम में कनेक्ट किया, अपने आज की लाइफ और आज के प्रेजेंट जो घटना हुई है, जो प्रॉब्लम्स हुई उसके साथ कनेक्ट किया, बट जैसे स्वीट तरीके से ही किया, बिकॉज फॉर मी रीचिंग होम इज वेरी स्वीटेस्ट फीलिंग, नाइसेस्ट फीलिंग दैट इज, तो मैंने वही आई ड्रॉ लाइक दिस किया है। पेंटिंग, इट्स सच अ गुड फील टू इट ना। यस, इज अनदर वन। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये थॉट रहा कि सम पीपल, आप इस पेट्रोमैक, इट इज द पेट्रोमैक, पेट्रोमैक से आप अपने पिछले दिनों को, आज तो एलईडी लाइट्स आ गई हैं चाइना मेड एंड इवन द इंडियन मेड, बट पहले का हम जब फील करते हैं, याद करते हैं, तो हमने पेट्रो में, हमने इसके अलावा पूरे वर्ल्ड ने कहीं ना कहीं लाइट चली जाती थी गांवों में, आज भी पेट्रोमैक्स को यूज करके लोग उसको, जैसे ये पर्सन उसके साथ बैठ के देख रहा है ना, वैसे ही हम कहीं ना कहीं आप पढ़ते थे या अपनी लाइफ के साथ जुड़ते थे, कनेक्ट होते थे, ये वही है। नहीं। और ये लेटर्स जो हैंग हो रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, ई समथिंग देयर ए सी। देयर इज नथिंग, वो कुछ ऐसा क्लियर मीनिंग नहीं है उसका, बट ओके इनडायरेक्टली मैंने उसको इसलिए इस तरीके से बनाया है कि वो आपके एजुकेशन के साथ भी आ जाता है, आप जब पढ़ रहे होते हैं ओके ओके तो ओके समझ गई दैट मैं, मे बी लाइक द स्ट्रगल ऑफ अ एजुकेशन, पर्सन। एजुकेशन को सिग्निफाई करने के लिए। यस, नाइस, दिस इज द सिमिलर थिंग टू जो आपने पहले दिन बोला था। हाँ, जो पहले बोला था डिफरेंट मेमोरीज एंड ड्रीम्स जो मैंने ड्रॉ हाँ किए, इन सारे सारे कामों को करने के पीछे मेरा एक कॉन्सेप्ट रहा कि मैं एक बोल्ड लाइन के साथ फाइन लाइंस को यूज कर सकूं, नाइस तो मैंने बोल्ड लाइन जो आपको क्लियरली विजिबल हो रही हैं, बट व्हेन यू जूम इनसाइड द वर्क तो आपको फाइन लाइंस भी देखेंगे, क्लियर पिक्चर एंड द स्टोरी बिहाइंड दिस वर्क। तो बहुत इंटरेस्टिंग लाइक कॉन्सेप्ट एंड बहुत इंटरेस्टिंग लाइक थिंग। और आपके चॉइस ऑफ कलर भी बहुत पेक्यूलियर है, पेस्टल कलर्स, जो आइडिया पे ज्यादा फोकस है। कोई लाइक स्पेसिफिक रीजन है कि आप ये चॉइस ऑफ कलर्स लेते हैं? नो, एक्चुअली एक आर्टिस्ट के लिए कलर्स, लाइन्स, फॉर्म्स, ये सब कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर, उसके कल्चर, उसके एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं चीजों से जुड़े होते हैं, उसकी पर्सनल जर्नी होती है। तो मेरे साथ ये सारे कलर्स उसी सॉफ्ट फीलिंग के साथ जुड़े हुए हैं, मैं कहीं ना कहीं प्लेफुल मैनर या ड्रीम लाइक, या मुझे अगर मैं खुद के लिए कपड़े, कपड़ों की भी चॉइस करूंगा ना, तो मैं भी एक जो आपने आपने बोला कि फॉर पेस्टल शेड मैं वही पसंद करूंगा, तो ये सब चीजें हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, हमारे पास से, हमारे प्रेजेंट से जुड़ी होती हैं, जो हम फील करते हैं लाइफ में हम वही बनाते हैं। तो अभी लाइक आपकी जर्नी में अभी तक आपने क्या नोटिस किया है कि कैसे कैसे लाइक काइंड ऑफ लोग आपके इन आर्ट में इंटरेस्ट हुए हैं? किस टाइप के लोगों ने आपसे मतलब हैव यू सीन के यू नो के शायद जो लाइक बहुत कार्टूनिस्ट जोन, पब्लिकेशन, कलेक्टर्स, लाइक और कैसे कैसे टाइप के लोग आपके आर्ट में इंटरेस्टेड हुए हैं? मोस्टली मेरी आर्ट के साथ इंटरेक्ट करने वाले लोग कॉमन पीपल रहे हैं, क्योंकि जब मेरे काम की तरफ देखते हैं उन्हें वो स्वीट सी फीलिंग आती है, जो उनकी डेली लाइवलीहुड, डेली एक्सपीरियंसेस से उन्हें कनेक्ट करने के लिए
एक प्लेटफॉर्म या विंडो दे देती है जब वो मेरे काम को देखते हैं और मेरे मेरे एक्सप्लेन जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कहीं ना कहीं जब वो अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। तो वही कॉमन फीलिंग ऑल अराउंड अस, हमारी डेली लाइवलीहुड या डेली लाइफ से रिलेटेड तो मोस्टली है। तो डिजाइनर्स के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ गैलरीज कुछ बायर्स भी रहे हैं तो वो भी अपनी पर्सनल चॉइसेस से, क्योंकि उनके उनको मेरे काम उसी लेवल पर टच किए, फील किए, तो उन्होंने कलेक्ट किया, पसंद किया। ओके तो अभी वापस उस क्वेश्चन पे मैं आती हूँ, बट उससे पहले मैंने सोचा सबसे आपकी पेंटिंग शेयर करें जो हमारे पास है, और मैंने कहा अच्छा रहेगा कि आप इसके बारे में भी बताएं कि कैसे क्या आपका थॉट था इसके बिहाइंड। इट विल बी इंटरेस्टिंग। आप मुझे पता नहीं आपको याद भी होगी कि नहीं कि कौन सी पेंटिंग। सब याद है, वो पेंटिंग कब बनी थी, कैसे बनी थी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उस कैंप के बारे में। ओके, अबाउट दिस पेंटिंग, 2008 उस टाइम पर एमएसए बीएफए खत्म हुआ था, एमएसए स्टार्ट होने वाला था उस टाइम पर जब ये कैंप हुआ था। तो मैंने उस कैंप में, मैं जिस जगह पर रहता था ग्वालियर में महलगांव, उस जगह पर अब तो बहुत अच्छा डेवलप हो चुका, सिटी सेंटर एरिया में आता है अब वो नहीं मिलता है, लेकिन मेरे घर के बाजू में कुछ ग्वाले थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज याद रहती है कि वो आपके घर के बाजू में कोई भैंस या गाय है, ग्वाले हैं, एंड दोज बर्ड जो मॉर्निंग टाइम इवनिंग टाइम पर कहीं ना कहीं मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम जो डे डस्क डस्क जो डस्क टाइप का एनवायरमेंट इसमें दिख रहा है, तो मैंने वही ड्रॉ करने की वो वही ड्रॉ किया है इसमें। एक घंटे की आवाज, एज होल एनवायरमेंट इज लिटिल बिट जैसे कुछ घंटी बज रही हो या कुछ शाम का धुंधला और हवा चली हो, ऐसा कुछ मैंने एक सिंपली एक चरवाहा है, एक गाय है, एंड सम बर्ड बर्ड उसके साथ है, कनेक्ट है, दे ऑल आर टुगेदर। नाइस। आई नो इसमें भी आपने ब्लू यूज किया था ना, इसलिए मैंने कहा कि ये भी ब्लू, और आपके रीसेंट वर्क में भी काफी ब्लू है, तो आई वाज थिंकिंग कि क्या कनेक्शन है, बट आई गेट योर पॉइंट क्या हो कि अब यू नो इट्स अबाउट यू, आपको अच्छा लगता है वो कलर और आप कनेक्ट करते हो उससे, उसको काम है कलर में, तो इसलिए इट्स लाइक नाइस टू यूज दैट। जनरली कहीं ना कहीं मुझे ये ब्लू कलर कहीं ना कहीं ड्रीम्स की तरफ लेके जाता है, जो आप रोमांटिसाइज करने वाली बात बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे कनेक्ट कर देता है मेरे मेरे उस लेवल के साथ। सो कमिंग बैक टू योर प्रैक्टिस, अभी जैसा एज अ फुल टाइम आर्टिस्ट आपको कभी ऐसा लगा कि लाइक आपने कभी इनफैक्ट एज अ ग्राफिक डिजाइनर या डिजिटलाइजेशन अभी इतनी हो रही है क्योंकि लाइक स्पेशली बंद हुआ है अभी सब कुछ इंटरनेट पे है, तो आपको अभी कभी प्रेशर लग रहा है या इतना कभी लगा कि नीड के और जनरली क्या आपने इनफैक्ट साइड बाय साइड एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट काम किया है? कमर्शियल वर्क करना पड़ता है, इसके अलावा आपका काम ही आपको बहुत कुछ दे जाता है। आप सिंसियरली एफर्ट करते रहे, आपके काम से आपको सब कुछ मिलता है। कमर्शियल वर्क करने पड़ते हैं बट देट इज वेरी लिटिल, अगर उसका रेशियो देखें अपनी लाइफ में उसका रेशियो बहुत कम है। तो क्या अब लाइक अगर फ्यूचर में यू नो कोई आपका आपको कोई बोले कि आप अपनी पेंटिंग्स का पोस्ट कार्ड वगैरह वो सब ब्रांडिंग और वो सब लाइक अगर आप अपने पेंटिंग कोई ब्रांड जैसे सेल करें, क्या आप उस तरफ जाना जाएंगे कि आपको लगता है कि नहीं आपका प्योरिटी ऑफ आर्ट आपकी स्पॉइल हो जाएगी उधर उधर जाने को, आपके थॉट्स क्या है उसके बारे में? एक्चुअली मैं इस चीज के बारे में थोड़ा डिफरेंट परसेप्शन रखता हूँ। ब्रांडिंग एक्चुअली किसी एक पर्टिकुलर थिंग की होती है, या कोई नाम हुआ किसी, जैसे मारुति हो गई या पर्टिकुलर, तो आर्टिस्ट पूरी लाइफ टाइम में बहुत सारी पेंटिंग्स ड्रॉ कर रहा होता है, बहुत सारी पेंटिंग्स बना होता है, डिफरेंट डिफरेंट मूड्स आते हैं, डिफरेंट कलर स्कीम्स आते हैं,
तो उसको अपना काम ही इतना इम्प्रूव करना पड़ेगा, ही शुड बी द ब्रांड। यस, उसकी पेंटिंग, उसकी कोई एक पर्टिकुलर पेंटिंग कहीं लग जाएगी किसी जगह पर, दैट इज वो उसकी पेंटिंग या उसके आर्टवर्क को प्रमोट करने का एक जरिया हो सकता है। बट आर्टिस्ट शुड इम्प्रूव हिमसेल्फ इतना से वो खुद ही एक ब्रांड हो, वो सब चीजें उसे सपोर्ट करेंगे। तो आपने बहुत सारी जगह एग्जीबिशन की है, बॉम्बे से लेकर कोटा से लेकर यू नो साउथ में, ईस्ट में, अक्रॉस द कंट्री आपने एग्जीबिशन किया है। तो अभी तक आप क्या बोलेंगे कि आपका बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ पे रहा, अगर आपको सिलेक्ट करना हो कि यहाँ पे मेरा